जम्मू कश्मीर में पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार टूटने के बाद लगातार पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को बड़े झटके लग रहे हैं। सबसे पहले इमरान रजा अंसारी और उनके चाचा जो कि आबिद अंसारी थे, वो दोनों जो है पीडीपी को छोड़कर बागी हो गए और उन्होंने बाद में जो है सजा लोन का हाथ थाम लिया। अब जो है हसीब द्राबू जो कि फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं अपने कार्यकाल में, जो पीडीपी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल था उसमें, उन्होंने अब जो है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को जो है अलविदा कह दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर है। द्राबू ने अपने ट्विटर पर जो है वो ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि वो एक नए फेज की तरफ मूव हो रहे हैं, उन्होंने पीडीपी को जो है अलविदा कह दिया है। अब जो है जैसा हसीब द्राबू ने पीडीपी को अलविदा कह दिया है तो अब चर्चाओं का बाजार गर्म है, क्योंकि पहले ही सजाद लोन ये साफ कर चुके हैं कि कई बड़े नेता जो हैं उनके साथ जुड़ सकते हैं, जिसका मतलब साफ है कि हो सकता है हसीब द्राबू भी जो सजाद लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस है उसके साथ जुड़ जाएं। तो सजाद लोन की पार्टी एक तरफ जहां उभर कर आ रही है, वहीं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को लगातार बड़े झटके लग रहे हैं। हसीब द्राबू की अगर मैं आपको प्रोफाइल बता दूं तो पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी की कोलिशन सरकार को बनाने में बेहद महत्वपूर्ण रोल माना जाता है। इनका जो एक कोलेशन हुआ था नॉर्थ पोल साउथ पोल का, राम माधव के क्लोज माने जाते हैं और आरएसएस के नज़दीकी माने जाते हैं, आरएसएस बिरादरी से जो है इनकी नज़दीकियां काफ़ी मानी जाती हैं, और यही कारण था कि ये जो नॉर्थ पोल साउथ पोल अलायंस जो कि पीडीपी और बीजेपी का कहा जाता है उसको करवाने में ये एक की रोल इन्होंने प्ले किया था। लेकिन अब जो है पीडीपी को एक बड़ा झटका लगा है क्योंकि हसीब द्राबू ने जो है पार्टी से अलविदा कह दिया है। इससे पहले पीडीपी ने जो है इन्हें फाइनेंस मिनिस्टर के पद से तब हटाया था जब एक विवादित बयान आया था, और उसके बाद से ही पीडीपी और हसीब द्राबू में तल्खी जो है वो साफ देखी गई थी कई मामलों पर भी, और अब उनका इस्तीफा देना कहीं ना कहीं पीडीपी के बीच एक बड़े संकट की ओर इशारा करता ही करता है। वहीं सजाद लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं मजबूत होती दिख रही है, क्योंकि शुरू से ही सजाद लोन ये कह रहे हैं कि उनके साथ कई बड़े नेता जुड़ सकते हैं। कैमरामैन रमन कुमार के साथ गुरसिमरन सिंह, यूनिवर्सल न्यूज़ टाइमलाइन, जम्मू।